सिंगरौली सड़क सुरक्षा सप्ताह के समापन के अवसर पर एसपी अभिजीत रंजन के निर्देशन में बरगवा थाना प्रभारी निरीक्षक मनीष त्रिपाठी ने दलबल के साथ बरगवा से बेढ़त तक लोगों को सड़क सुरक्षा एवं यातायात नियमों की पालन करने के बारे में जागरूक करने के लिए साइकिल रैली निकाली। करीब 15 किलोमीटर के मार्ग में पुलिस विभाग के अतिरिक्त विभिन्न संस्थाओं के सदस्यों शहरवासियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, जो इस दौरान अपने अपने हाथों में सड़क सुरक्षा संबंधित स्लोगन लिखी तख्ती और बैनर लिए हुए थे। इस अवसर पर एसडीओपी कृपा शंकर द्विवेदी ने हरी झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया। वहीं बरगवा थाना प्रभारी निरीक्षक मनीष त्रिपाठी ने आयोजित रैली के दौरान साइकिल चलाओ रोग भगाओ, साइकिल चलाओ पर्यावरण बचाओ और साइकिल चलाओ ट्रैफिक जाम हटाओ के नारों का भी नाम दिया। उन्होंने कहा कि हम सड़क पर चलते वक्त यमराज के साए में रहते हैं, ऐसे में यातायात नियमों का पालन करना चाहिए। वहीं एसपी कार्यालय में इस रैली का समापन किया गया। खुद भी सुरक्षित रहें, सामने वाले व्यक्ति को भी सुरक्षित रखें, इसके लिए उनके बीच जागरूकता फैले, उनका ज्ञान वर्धन, इसी उद्देश्य के साथ ये रैली सर। एक प्रतिदिन दुर्घटना हो रही है सर, उसके बारे में क्या? प्रतिदिन दुर्घटना हो रहा है, निश्चित रूप से ये जो है बहुत ही दुखद भी है और अस्वीकार्य है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि पुलिस की तरफ से और साथ ही साथ गुजरात ट्रैफिक पुलिस की तरफ से लगातार इसमें प्रयास किए जा रहे हैं। देख रहे हैं कि दुर्घटनाओं की संख्या घटी है पहले से काफ़ी, लेकिन अगर हम ये मानते हैं कि अगर एक व्यक्ति की भी जान जाती है तो निश्चित रूप से वो हमारे लिए बहुत ही जनक, हमें वो भी स्वीकार है। निकट भविष्य में और भी करेंगे। सर आप जब से आए हैं तब से यहाँ पे गुंडा बदमाशों में सर बहुत डर है, सर इस एनर्जी का कारण जानना चाहेंगे कि आपकी एनर्जी आती कहाँ से है? कोई एनर्जी नहीं आती है, एक्चुअली चैलेंज जितना आता है उसी हिसाब से फिर हम लोगों की एनर्जी स्टार्ट हो जाती है। पुलिस का काम है लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करना, लोगों में एक शांति का संदेश जाना और जो गुंडे बदमाश हैं उसमें ये मैसेज जाना कि उनके साथ बहुत ही सख्त व्यवहार होगा। और ये मैसेज लगातार यहाँ पे जा रहा है। हमारी टीम भी बहुत अच्छी है, प्रत्येक अधिकारी से लेकर के हमारे नीचे स्तर के जो कॉन्स्टेबल हैं वो भी कुल मिलाकर के अच्छा काम कर रहे हैं, तो सबकी सामूहिक सफलता। सिंगरौली से अनिल दुबे की रिपोर्ट।